गुड इवनिंग फ्रेंड्स दिस साइड सी नितेश पराशर करेंटली सर्विंग एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच ऑफ एन आई आर सी ऑफ आई सी आई टूडे विल विल डिस्कस वन मोर टॉपिक रिलेटेड टू जी एस टी इन इनकम टैक्स एंड दैट इज रिलेटेड टू द फेक इन वॉयसिंग एज वी ऑल नो दैट इन टूडेज इन्वायरमेंट एज फ्रॉम जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन एज वी नो दैट जी एस टी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड जैसे ही जी एस टी आया आपने देखा कि जी एस टी से एक सबसे अच्छा फ़ायदा जो एज ए बिजनेस मैन क्या मिला कि वी यूज टू गेट द इनपुट टैक्स क्रिएट ऑफ ईच एंड एवरी जो भी हम बिजनेस के लिए यूज़ करते थे अब एक तो पॉजिटिव साइड था नेगेटिव साइड क्या शुरू हो गया सर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया लोगों ने फेक इन्वाइसिस लेना शुरू कर दिए टू क्लेम आई अगर सर मैं फेक मतलब कि नकली अगर इन्वाइस लेता हूँ तो सर उसके दो इम्पैक्ट होते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है कि मैं अपना क्रेडिट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और जीएसटी की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा हूँ दूसरा इंपैक्ट उसका क्या हुआ सर आई एम इंक्रीजिंग माई एक्सपेंस इन दी एन एल एंड आई एम रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी इन इनकम टैक्स सर दो चीज़ें इफेक्ट हो गई थी एक हो रहा था जीएसटी में एक हो रहा था इनकम टैक्स में अब हो क्या रहा था सर जीएसटी में बहुत सारे केसेस पकड़े गए अब बहुत सारे केसेस पकड़े गए रिलेटेड टू दिस इशू तो गवर्नमेंट ने क्या किया निर्मला सीतारामन जी ने क्या किया अपनी फाइनेंस बजट की स्पीच में शी इंट्रोड्यूस वन सेक्शन चो सेक्शन है नंबर है टू सेवेंटी वन ए डी विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी और उसमें क्या बोला गया है कि अगर आप फेक इन्वाइस लेते हो अगर आप फेक इन्वाइस लेने की इंटेंशन रखते हो जो कुछ भी आपने ले लिया हो या एंट्री ना करी हो अभी ले लिया था एंट्री नहीं करी उससे पहले ये सेक्शन आ गया मतलब जो भी है वट एवर द कंडीशन विल बी तो सर इन डैट सिनेरियो अगर आप पकड़े गए अगर आपको पकड़ लिया गया तो सर आपको जो जी में लाइबिलिटी हम पे करते थे वो तो है ही है जी में क्या होता था सर जी में जो हमने आई लिया होता था वो कैंसिल हो जाता था इंटरेस्ट लगता था प्लस पेनल्टी देनी होती थी अब सेम चीज़ पेनल्टी इन्होंने कहाँ पे ला दी सर इन्होंने पेनल्टी ला के दे दी सर इनकम टैक्स में भी कि अगर एक इन्वायस फॉर एग्जांपल वन लाख रुपीज़ का इन्वायस था जिस पे अठारह परसेंट मैंने जीएसटी का इनपुट लिया हुआ था तो सर जो एक लाख का मैंने एक्सपेंस भी क्लेम किया होगा तो वो एक लाख जो मैंने एक्सपेंस क्लेम किया है सर वो एक लाख का एक्सपेंस इनकम टैक्स में भी डिसअलाउ होगा उस पर मैं टैक्स तो दूंगा ही दूंगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी प्लस एक पेनल्टी और लगेगी और वो एक पेनल्टी कौन सी होगी टू सेवेंटी वन ए ए डी की डैट इज हंड्रेड परसेंट सर जो भी इन्वायस लेगा उस पर एक लाख रुपए की पेनल्टी और लगेगी तो सर अभी हम जीएसटी में भी पेनल्टी देंगे इनकम टैक्स में भी पेनल्टी देंगे थ्रू दिस सेक्शन तो बेसिकली दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस सो डैट लोग जो प्रोफेशनल्स थे या फिर जो भी बिजनेस थे बड़े बड़े या छोटे भी जो भी कर रहे थे काम वो ये लोग ना करें काम प्लस इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर सर पेनल्टी और किसको लगेगी जो बिल इशू कर रहा है जो बिल ले रहा है दोनों पे पेनल्टी लगेगी हंड्रेड हंड्रेड परसेंट तीसरा सर इंपॉर्टेंट चीज़ इस पे उस पे भी पेनल्टी लगेगी जो बिल दिलवा रहा है जो इंटरमीडिएटरी है जो एक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल किसी अकाउंटेंट ने किसी कंसल्टेंट ने किसी ने कुछ बोल दिया कि सर ऐसे कर लो ये कर लो ये टैक्स प्लानिंग होती है तो अगर वो पकड़ा गया देन दैट सिनैरियो ऑल्सो सर उस पर भी हंड्रेड पेनल्टी लगेगी so sir this is my humble suggestion to all of you being a chartered accountant i'm just suggesting this thing ki do not indulge yourself into these type of activities it will not bring any fruitful result for you as a businessman yeah, as a professional it will not bring any fruitful result for you and sir uh, please do like this video do subscribe my channel, and I will keep on uploading the videos like this. In uh, in which I will try to explain the each and uh, each and every provision which will be coming from the side of the government. Thank you so much.